तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और फॉरेन फ्रेंड स्कैम के बारे में जो रिसेंटली हमारे एक व्यूअर के साथ हुआ है और उन्होंने वो सारी डिटेल मेरे साथ यहाँ शेयर करी है। और इस वीडियो की तीन खासियत होंगी। अगर ये पहली खासियत है, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके साथ स्कैम हो जाता है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी शक्ति आपके साथ स्कैम होने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी स्कैमर को पहचानते हैं, कैसे उसके बारे में डिटेल आपको निकालनी है। दूसरी खासियत यह है कि ये जो सारी जानकारी जिन्होंने कलेक्ट करी है, वो खुद एक विक्टिम है, उनके साथ ये स्कैम हुआ है लास्ट वीक के अंदर अंदर में, और 35,000 रुपीज़ उनसे इस पार्सल के लिए मांगे गए थे। स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरी खासियत ये है कि सारी डिटेल्स उनके द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना नाम या कोई भी क्रेडिट यहाँ पर डालने से मना कर दिया है। उसके रीजन्स आप लोग जानते हैं, आप खुद समझदार हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरे पास सिंपल मैसेज आता है, इज दिस मिस्टर सुधीर। मैंने बोला हाँ मैं सुधीर बात कर रहा हूँ, बताइए मैम मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ से रिप्लाई आता है, आई वांट टू शेयर डिटेल्स अबाउट अ स्कैम डेट हैपन टू मी रिसेंटली। उनके साथ एक स्कैम हुआ रिसेंटली, उसी की डिटेल उन्हें मेरे साथ शेयर करनी थी, तो उसके बारे में हमने बातचीत शुरू करी और जो भी स्कैमर की डिटेल्स थी वो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर दी। तो पहले बात कर लेते हैं स्कैम क्या हुआ। तो एक लेडी हैं जिनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, इंस्टाग्राम पे ही रिक्वेस्ट आई एक बंदे की जो खुद को रिप्रेजेंट करता है, एक डॉक्टर जो कि लंदन से था। उस डॉक्टर की भी डिटेल्स मैंने सारी निकाल ली हैं इंटरनेट से कि वो लंदन से था या किसी और कंट्री से था, जिसकी इमेज यूज़ करी गई है उस डॉक्टर की। तो धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, एक अच्छे फ्रेंड बने कि हाँ आपको मैं अपनी सिस्टर की तरह मानता हूँ, ये वो रिलेशन एक बढ़ती चली गई आगे। और वो कहता है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना आपके लिए भी कुछ गिफ्ट खरीद लूँ। तो उन्होंने जो भाई स्कैमर भाई साहब थे, इन्होंने कुछ ऑनलाइन गिफ्ट खरीदे हवा में और वह गिफ्ट पार्सल करे आज शाम को, और अगले दिन इंडिया से यानी कि दिल्ली कस्टम एयरपोर्ट के नाम से एक कॉल जाता है इनके पास, मैम जो हैं ये, और वह कहते हैं कि हम दिल्ली कस्टम एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं और आपको इसके लिए आपका पार्सल आया हुआ है लंदन से, जिसके लिए आपको मैम 35,000 कस्टम ड्यूटी देनी है। तो पहला क्वेश्चन, क्या कभी भी कस्टम से आपको ऐसे कॉल आते हैं? तो सर इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कस्टम एयरपोर्ट कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करता, आपके पास ईमेल आएगा, बट गिफ्ट के केस में आपके पास ईमेल नहीं आएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आपको वहाँ पे कस्टम क्लियरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वो भी तब जब आप एक कंपनी है, एज एन इंडिविजुअल आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इन्होंने मुझे बताया, जब मैंने पूछा आपके साथ कितने का स्कैम हुआ है, तो मैम बताती है मेरे साथ पूरा 15,000 रुपये का स्कैम हुआ है, क्योंकि इन्होंने एक नेगोशिएशन करी कि मैं पहले ये बिल्कुल सही जा रही थी मैम, ऑन द ट्रैक, बिल्कुल राइट ट्रैक पे थी कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे 35,000 रुपीज़ पे नहीं करने हैं। तो स्कैमर जो था वो प्रो प्लेयर था, मतलब उसका एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। उन्होंने कॉल करी, फिर जो बंदा था इंस्टा पे वो लंदन से बन के कॉल करता है कि मैंने आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट गिफ्ट भेजे हैं, मेरी बेटी ने ये सेलेक्ट करें मैम, उसका दिल टूट जाएगा, ये वो, मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला। तो लास्ट एंड ऑफ द डे नेगोशिएशन में क्या हुआ कि मैम ने बोला कि मैं 15,000 दे देती हूँ अगर वो मान जाते हैं। तो कस्टम वाला कहता है मैंने अपने सीनियर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है 15,000 रुपये आप पे कर दो और आपका गिफ्ट पार्सल हो जाएगा। मैम ने क्या करा, यहीं पे एक गलती होगी, उन्होंने 15,000 रुपीज़ पेमेंट कर दी सर। अब ये जो 15,000 रुपीज़ पे करे गए वो कस्टम ऑफिस के नाम पे, कस्टम ऑफिस ने कहा हम अपना अकाउंट नंबर आपको मैसेज कर रहे हैं और ये अकाउंट नंबर जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये ही मैसेज करा गया और कहा गया कि इस अकाउंट नंबर में आपको 15,000 रुपीज़ डाल देने हैं। तो ये अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं एक बार, कैनरा बैंक का अकाउंट है, अचिंता चौधरी अकाउंट होल्डर का नाम है, अकाउंट नंबर ये रहा, IFSC कोड ये रहा कैनरा बैंक का, और इसके बाद अमाउंट 15,000 रुपये ये रहा। मुझे लगता है पुलिस को पकड़ने में इस बंदे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको इजीली पकड़ा जा सकता है। और ये नंबर है जहाँ से कस्टम ऑफिस के नाम पे कॉल आया, तो एक बार हम इस नंबर पे कॉल करते हैं और जानते हैं ये कितना फेक और कितना सही है। देखते हैं कोई कॉल उठाता है या नहीं। वंस अगेन वी विल कॉल ऑन दिस नंबर एंड देन विल कंटिन्यू अवर वीडियो। बिजी आ रहा है तो मतलब मेरे पास कॉल बैक आने वाली आई थिंक, अगर मैं राइट हूँ तो। वेट करते हैं एक मिनट, मैं वीडियो कट कर दूंगा, डोंट वेरी। हेलो, हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी दिल्ली एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी बोलिए, आप कौन? सर मेरे पास मैसेज आया था मेरे पास कि मेरा पार्सल आया हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उसकी कस्टम ड्यूटी मुझे पे करनी है मेरे दोस्त। क्या नाम है सर आपका? किसका पार्सल आया हुआ है? मेरे फ्रेंड का, लंदन से आया हुआ है सर। हाँ तो आपके फ्रेंड का नाम भी तो होगा सर कुछ?
हाँ एलेक्स। एलेक्स? हाँ जी एलेक्स का पार्सल आया हुआ यहाँ इंडिया में। हाँ जी सर, लंदन से। अरे किसके नाम से आया हुआ है? एलेक्स ने भेजा है कि एलेक्स के नाम से आया हुआ है? एलेक्स ने भेजा है सर। तो उसका नाम किस नाम से भेजा हुआ है? वो नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे। चल भाई रहने दे, कोई नहीं, मैं तो वेरीफाई कर रहा था ये फेक कॉल है या नहीं। चल ठीक है, मौज मार तू। तो गाइस एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो नंबर यहाँ पे हमें मैम ने दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये बंदा खुद को दिल्ली एयरपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव, जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे प्रिटेंड कर रहा है और आपको उसी के नाम से कॉल कर रहा है कि मैं कस्टम ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो गाइस इस गधे की डिटेल हमारे पास है, ये पब्लिश है। अब आप इस नंबर का जो मर्जी चाहें आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नो आई चेक फेसबुक आईडी, वो मुझे जो पिक सेंड करता था उसने फेसबुक वाली की थी। दरअसल इस बंदे ने क्या करा, वो जो डॉक्टर था एक्चुअली वो टर्की का था और उसका अकाउंट की सारी डिटेल उठा के अपना फेसबुक फेक इंस्टा बना लिया और वहीं से इसने मैम को जो फोटोज़ थी, यानी कि जो लेडी हैं उनको जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, वो फोटोज़ भेजनी शुरू करी उसके बीवी बच्चों की और अपनी। तो ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटोज़ उन्होंने भेजी थी। मैं बताऊंगा आपको मैं इस बंदे तक एक्चुअल में कैसे पहुंचा वीडियो के लास्ट में। और ये बच्ची, अब एक स्टोरी यहाँ ये है कि ये वाइफ जो है इस डॉक्टर की वो जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। मेरी चैट पे बात हुई उनसे और वो बोलता है कि मेरी वाइफ मर गई और मैं और मेरी बच्ची दोनों खाली घर में रहते हैं। तो मतलब एक इमोशनली बैंड, जो एक बॉन्ड होता है ना, वो बनाने के लिए हम ऐसी लाइंस यूज़ करते हैं अगर स्कैम करना हो। मुझे स्कैम, मैं जब भी किसी स्कैम की वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर मैं स्कैमर हूँ तो मैं क्या रणनीति बनाऊँगा, यानी कि स्ट्रेटेजी, और उसी के बेसिस पे मैं आपको ये वीडियोज़ बना के देता हूँ। गाइस ये ओरिजिनल प्रोफाइल है उस डॉक्टर की जिसका नाम लेके इस बंदे ने, जो कि वेस्ट बंगाल का है, ये नाम लेके अपने आप को लंदन में दिखाया था। इस डॉक्टर की डिटेल्स यूज़ करी थी बट ये बंदा एक्चुअल में भी डॉक्टर है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता ये बंदा टर्की का है, तो इसके दो रीज़न है। पहला तो मैं साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ आजकल। दूसरा, पीछे आप भी देख सकते हैं, जो ये पीछे देखिए ये फ्लैग दिख रहा है, ये फ्लैग टर्की का है। आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए और आपको कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ गिफ्ट भेजे कि मैंने आपके लिए पार्सल में भेजे हैं। भाई स्कैमर, तेरी चॉइस अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा ही भेजता। तो ये गिफ्ट उनने भेजे हैं कि मैम मैंने मतलब उसको अपनी जो सिस्टर बनाई उनने इंडिया की, उनको ये गिफ्ट भेजे कि ये आपके लिए मैं पार्सल भेज रहा हूँ। अब एक और ट्रिक स्कैमर्स यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो मेरे फॉलोवर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको भी ऐड कर लेंगे स्कैम के लिए। जिसके साथ स्कैम होना है उसके सारे फ्रेंड्स को ऐड कर लेंगे ताकि ये हो जाए कि बंदा जेन्युइन है बट बात सिर्फ मुझसे करता है। पर हम सब यही बात सोचते हैं और इसीलिए सबके साथ स्कैम हो जाता है, पूरे के पूरे फ्रेंड में। एक केस आया था मेरे पास जिसमें एक साथ 7 से 8 फ्रेंड्स के साथ स्कैम हुआ ऑनलाइन। अब ये डिटेल है, स्कैमर के नंबर से ये मैसेज आता है तो मैम ने इनको मैसेज करा, क्यों ऐसे तुम लोग किसी की मेहनत के पैसे खाते हैं? ये आप पॉज करके पढ़ लेना सर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है इस साला इतना बेशरम इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, अब ज़्यादा मैसेज मत करो, आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है, 2 PM तक आपका अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। पता है ये क्यों कर रहा है? ये कह रहा है कि सर मैम हम आपको प्रोसीड कर रहे हैं और फिर ये यहाँ पे अब दोबारा जो स्कैम करेगा ट्राई वो करते हैं फ़ोनपे वाला। फ़ोनपे वाला स्कैम आपको पता होगा कैसे काम करता है, नहीं तो मेरी फ़ोनपे के ऊपर एक वीडियो है, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखी, आप उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा वो यहाँ पे किस तरीके का स्कैम करता दूसरी बार सेम अकाउंट होल्डर के साथ। तो ये रही उस बंदे की डिटेल जो मिली है हमें, एक्चुअली मैम ने ये मुझे सेंड करी है। अकाउंट नंबर ये रहा उसका, अंचित चौधरी नाम है, अंचित चौधरी, मुकुल चौधरी इनके पिताश्री जी का नाम है। तो ये सिटी स्टेट वेस्ट बंगाल, इसका कस्टमर आईसी, कस्टमर आईडी नंबर, इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो कि साइबर सेल पुलिस कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा हमने ये नंबर भेज दिया ट्राई टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है उसको भी ये मेल ट्रांसफर कर दिया गया है सारी डिटेल, क्योंकि अब इस भाई का अरेस्ट होना मेरे लिए ज़रूरी है। बैंक में गई मैम, देखो आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बैंक ही नहीं जाते कंप्लेंट करने के लिए, या बैंक जाते हैं तो वो बहुत सीधे होते हैं, बैंक वाले उल्टा भगा देते हैं। पर यहाँ पे मैं जो मैम का बैंक है उसकी तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ऐसा नहीं करा, उन्होंने सारी डिटेल्स मैम के साथ शेयर करी और उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करी। तो कभी मुझे पता चलेगा इस बैंक का नाम तो मैं डेफिनेटली इस बैंक की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे मैनेजर्स और ऐसे बैंक के स्टाफ का प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए ऐसे भी बैंक हैं। तो मैं बैंक गई थी, मैंने बैंक में कंप्लेंट को फ्रॉड को मतलब मेल कर दिया साइबर सेल को भी और इसकी कंप्लेंट भी कर दी, जहाँ से मुझे
अच्छा इसने क्या करा था स्कैमर ने ना, जैसे ही मान लो इनने 15,000 रुपये ले लिया, अभी इसको पता है और स्कैम नहीं आएंगे, तो इसके साथ मैम के साथ इन्होंने स्कैम क्या करा कि इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया और अपने अकाउंट इंस्टाग्राम के डिलीट कर दिए। एक अकाउंट बनाने में 20 से 25 मिनट लगती है, नया अकाउंट बन जाता है स्कैम करने के लिए। उसने स्कैमर ने खुद को बचाने के लिए ये सब ट्राई करा। तो मैंने पूछा आपको ये डिटेल्स जो अभी आपने ये वाली देखी हैं कहाँ से मिली हैं ये, तो मैम ने बताया कि ये सारी डिटेल्स मुझे बैंक ने दी हैं जी। उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है, मतलब डेली इतना अमाउंट इस बैंक में आ रहा है और सारा अमाउंट ऐसे ही आया हुआ है जैसे आपने ट्रांसफ़र कराया। यानी कि बैंक को भी पता है कि ये जो अकाउंट है ये इलीगल फंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, गलत तरीके से पेमेंट लेने के लिए यूज़ हो रहा है, बट उसके बाद भी ये जो अकाउंट है वो एक्टिवेट है। तो क्वेश्चन ये बनता है जिस कैनरा बैंक जो अकाउंट होल्डर है इस बैंक का, उससे कि आप ऐसे अकाउंट्स को क्यों अभी तक एक्टिव रखते हैं, उनको होल्ड पे क्यों नहीं डालते, और या फिर उनको इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के पास ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते। सर बहुत ही मेहनत की कमाई होती है जो चली जाती है 2 सेकंड के अंदर अंदर में मदद करने के लिए सिर्फ। तो गाइज आप यहाँ पे ये करिए, इस वीडियो को ट्विटर पे जाना और शेयर करना विद हैशटैग नो मोर स्कैम के साथ और कैनरा बैंक को टैग कर देना। तो गाइज यहाँ तक की ये डिटेल हो गई। अब सबसे बड़ा थैंक यू उन मैम के लिए जिनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, बट उम्मीद है वो ये वीडियो देख रही होंगी और मेरी दी हुई डिटेल उनको सही लगी हो, करेक्ट लगी हो। मैंने अपना बेस्ट जो मैं कर सकता था वो यहाँ मैंने ट्राई करा। ईमेल करें इस कंप्लेंट को का, इस वीडियो के मतलब मैंने ईमेल्स करें जिससे इस स्कैमर जो ये फ्रॉड करने वाला है इसको पकड़ा जा सके। आपको लगता होगा ये स्कैम 1-2 लोगों के साथ होता है, नहीं, आपको जान के हैरानी होगी। मेरे इंस्टिंक्ट्स और रिसर्च कहती है कि इन चीज़ों के ऊपर आज की डेट में इंडिया में कॉल सेंटर रन हो रहे हैं पूरे के पूरे, जो ये स्कैम करते हैं मिल जुल के, और डेली के डेली ऐसे इस अकेले बंदे के 8 से 9 अकाउंट होंगे। फ़ोन पे के लिए अलग यूज़ कर रहा होगा, ये डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए अलग यूज़ कर रहा होगा, तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे जिनमें ये पेमेंट ट्रांसफ़र लेता होगा। तो मान के चलो 2 से 3 करोड़ का स्कैम एक अकेला बंदा करता है महीने में, और ऐसे हजारों लोग स्कैम कर रहे हैं, 800 से 1,000 लोग होंगे ये कम से कम जो ये स्कैम करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये कितने बड़े लेवल पे होगा समझ लो, आप सोच भी नहीं सकते ये इतने बड़े लेवल का स्कैम और फ्रॉड निकलेगा। आप सारे घोटाले भूल जाओगे अगर इन पे स्कैम होता है। और अगर मैं आगे रहा, मतलब किसी के टारगेट में नहीं आया, तो ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा एक ही गोल है कि मुझे इन स्कैम्स को रोकना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी देनी हो, पर ये स्कैम्स मेरे देश में बंद होने चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों को रोते हुए देखा है जब उनकी मेहनत की कमाई चली जाती है इन स्कैमर्स के द्वारा। गाइस तो खैर टाइम आता है अब आपको प्रो टिप्स देने का कि किस तरीके से आप इन स्कैम से बच सकते हैं। गाइस तो उसका सिंपल और बेस्ट तरीका क्या है वो देखिए। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं जो मैंने लोगों से बात करके और खुद के एक्सपीरियंस से फेस करी है कि ये स्कैमर्स क्या करते हैं। फेसबुक यूजर्स हैं आप तो ये लाइन आप लोगों के लिए, ये वाली इसको ध्यान से देखिए गाइस। स्कैमर अपलोड करता है लिमिटेड पिक्चर्स, क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा नहीं होता है, इसीलिए वो कुछ लिमिटेड पिक्चर्स ही अपलोड करेगा अपने फेसबुक अकाउंट पे। ही नेवर अपलोड एनी वीडियो, वो कभी खुद की कोई लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोड नहीं करता है। और वीडियो अपलोड कर रहा है तो आप उसके ट्रस्ट में मत जाइए, पॉसिबिलिटी है कि उनने उस बंदे की वीडियो अपलोड करी हो, क्योंकि बैकग्राउंड से पता चलता है कि वो लंदन में या टर्की में, अगर बंदा समझदार है तो वो पता लगा सकता है। शोइंग अ लग्जरी लाइफ, वो खुद को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा आपके आगे वो जैसे बहुत ही मतलब बहुत ही अमीर आदमी है अपनी कंट्री का, और वो आपकी लाइफ बदल सकता है ताकि आप उससे दोस्ती करना चाहो। प्रिटेंड टू बी हेल्पफुल पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर में प्रिटेंड करेगा, आपको दिखाएगा कि मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, आप किसी प्रॉब्लम में आपको एडवाइस करेगा, सजेशन देगा, आपकी लाइफ बदलने के लिए बोलेगा, मैं आपको मिलियंस ऑफ डॉलर सेंड कर रहा हूँ, और आप बिलीव कर लेंगे। इसके बाद वो क्या करता है, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन ही विल यूज सम इमोशनल लाइन, कहे बहुत इमोशनल, जैसे उसका बाप खत्म हो गया, माँ, या मतलब कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है उन लाइन्स के साथ। वॉन्ट टू चेंज समवन लाइफ, किसी की लाइफ बदलना चाहेगा ग्रुप या समूह की, कहेगा वो पैसे मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप वो लोगों में दान कर देना या खुद के लिए यूज़ कर लेना। ही माइट बी अ मैनेजर, खुद को बोलेगा मैं मैनेजर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, बिजनेस ओनर हूँ, रिसर्चर हूँ, या एक व्हाइट कॉलर जॉब खुद को रिप्रेजेंट करेगा, या एक रिच पर्सन दिखाई रहा है वो आपको। ही विल नेवर टॉक टू यू ओवर अ फोन कॉल, वीडियो कॉल, फोन कॉल करेगा बट वीडियो कॉल पे वो कभी बात नहीं करेगा, और कोरोना के टाइम पे करेगा तो मास्क मुंह पे लगा होगा, क्योंकि वो सिंपल वीडियो एडिटिंग ट्रिक यूज़ कर रहा है, जिसके बारे में मैं कभी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा वो कैसे काम करती है। फॉर इंस्टाग्राम यूज़र, रिच पर्सन होगा वो सेम फेसबुक की तरह, आपके म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होंगे, वो हमेशा फॉरनर होगा, कोई इंडियन नहीं होगा, ये गारंटीड है, और वो हमेशा ऐसी कंट्रीज से होगा जो बहुत ही अमीर होती हैं, जहाँ पे जैसे लंदन, न्यूजीलैंड, US, UK, कनाडा, यानी कि ये सारी यूरोपियन नेशन वो यूज़ करेगा कुछ।
ओनली अपलोडिंग पिक्चर्स अपलोड करेगा, वो कभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा होगा अपने उस अकाउंट से। ही सी मे बी ऑफरिंग समथिंग, कोई सर्विस ऑफर कर रहा होगा या फिर आपसे दोस्ती करने के लिए आपको गिफ्ट ऑफर करना चाह रहा होगा, सो दैट ही इज़ इन लव विद यू। वो एक तरीके से ना, अगर वो मान लो आप अपोजिट आप एक अपोजिट जेंडर हो, तो वो आपको क्या करेगा, शो करेगा कि उसको आपसे प्यार है। या तो वो भाई बहन का, अगर एजिड एजिड बन के दिखा रहा है तो वो आपको फादर और सन वाला रिलेशन, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा जिससे स्कैम करना उसके लिए आसान हो जाएगा, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करेगा। कहते हैं ना, धोखा वहीं हो सकता है जहाँ विश्वास हो। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो धोखा कौन देगा। तो ये पहले विश्वास करते हैं फिर चूतिया काटेंगे। एंड वांट सॉरी ऑलवेज इन हरी, हमेशा जल्दी में होगा कि आज गिफ्ट भेजा या कुछ भेजा कल आपके पास आ गया। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। रिसेंटली कुछ पार्सल्स आए थे मेरे पुर्तगाल से, यूरोप में मेरा एक फ्रेंड है, लिस्बन में सिंगर है, तो उसने अपनी कुछ कैसेट्स और कुछ चीज़ें मुझे भेजी। इट टुक अराउंड 22 और 25 डेज, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी चीज़ एक दिन में डिलीवर हो जाए। ऑलवेज इन हरी, हमेशा जल्दी में रहेगा। शेयर वेरी इमोशन सॉरी हाँ इमोशनल लिखना था मुझे, तो पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेगा जस्ट अपोजिट, अगर और हो सकता है वो कुछ अपोजिट हो, जैसे प्रिटेंड टू बी रिचर और एलन मस्क, यानी कि एलन मस्क जो अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उससे भी अमीर बन के दिखा देगा वो आपको यहाँ पे। तो खैर, अब बात आती है तीसरी, कि किसी भी स्कैमर को कैसे पहचानना है। इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कैसे किसी भी स्कैमर को आप 2 मिनट में पहचानेंगे। तो देखिए, उसके लिए मैंने कुछ तरीके ढूंढे हैं। ये वृंदावन की फोटो मेरे दोस्त ने खींची थी, नाम है धीरज ठाकुर, तो उसको क्रेडिट देना जरूरी था, नहीं तो वो खून कर देगा। अब आप ये देखिए, ये फोटो उनने मैम को भेजी, तो इस बच्ची से और इस अंकल के फोटो से मुझे कोई डिटेल नहीं मिली नेट पे। तो मैं गया, सॉरी ये बड़ी दिक्कत है यार, है ना। तो अब हम दूसरी फोटो ढूंढते हैं जो उसने भेजी थी, ये हस्बैंड वाइफ वाली। तो मैंने क्या करा, इस फोटो को सेलेक्ट करा। अब अपन लोग गए गूगल पे, गूगल सर्च पे आपको जाना है, सॉरी इमेज सर्च पे आपको यहाँ क्लिक करना है। सर इमेज सर्च पे जब आप जाएंगे तो यहाँ इमेज पे क्लिक करना है आपको, विंडो डी हमने दबाया सिंपल डेस्कटॉप पे, ये इमेज सेलेक्ट करी, हम यहाँ गए, इसको यहाँ हमने सिंपल ड्रॉप कर दिया। अब सारा काम गूगल करेगा, वो मैच करेगा इंटरनेट पे ये इमेज किन किन फोटो से रिलेट करती है। तो यहाँ कुछ लिंक आपके सामने आ गए, अब हमने इनको खोलना शुरू करा वन बाय वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये फोटोज़ भी थे आप यहाँ देखेंगे, तो पहले नंबर पे उन्होंने करेक्ट फोटो हमें डिटेल दे दी है। हमने सर को खोज लिया इंटरनेट पे कि ये एक्चुअल में भाई कौन है, तो आपको पता चल गया इस भाई का नाम एलेक्स नहीं था, इसका नाम वो है जो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, बोरा चोरा कोरा, ठीक है। उसके बाद अमेज़ॉन ने क्या करा, अमेज़ॉन ने रिजल्ट दिखाया, वो शादी का जोड़ा था, तो शादी के हिसाब से कपल्स का जोड़ा दिखाया। ये देखिए, इसका दूसरा अकाउंट हमें ये मिल गया है, और जितने भी फेसबुक पे इन फोटोज़ के साथ अकाउंट हैं, गूगल हमें सारे रिजल्ट देगा नंबर वन। ये एक तरीका आप लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत हेल्पफुल रहेगा, इससे पता चला कि सामने वाला कौन है, किससे बात कर रहे हैं। अगर मैम को ये बात पहले पता होती कि मैं ऐसे वेरीफाई कर सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, तो ना उनका इतना टाइम वेस्ट होता, ना ही स्कैम उनके साथ होता। सिर्फ मैम ही नहीं, वो भाई जो एयरपोर्ट पे एक लड़की की हेल्प के लिए जिन्होंने पैसे सेंड कर दिए और 1,70,000 या 2 लाख, मैं भूल गया, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो वो स्कैम होते होते बचा, फिर भी उनके 22 या 25 हज़ार रुपये चले गए। ऐसे किसी के 70,000 चले गए, किसी के 90,000। अगर आप ये तरीका यूज़ करते तो सर आपके साथ ये स्कैम नहीं होता। हो सकता है स्कैमर ये वीडियो देखने के बाद लो क्वालिटी फ़ोटो भेजें जो इंटरनेट पे सर्च ही ना हो, तो रेडी रहिए आप उसके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक ग्रुप है ट्रैवल इन इंडिया, तो एक सेकेंड, ये मैं इतना वीडियो हाइड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों ने मुझे अपने मैसेज कर रखे हैं, ठीक है। मैं आप सिंपल अपनी फेसबुक पर ही जाते हैं, हम यहाँ आ गए। मैं दिखाता हूँ फेक अकाउंट की पहचान क्या होती है, आपको फेसबुक के फेक अकाउंट पहचानने सिखा रहा हूँ आज मैं दोस्तों। ये किसी ने फेसबुक पे आपको कोई भी स्कैमर के ऊपर कितनी भी वीडियो बना लें, कोई डिटेल नहीं बनाता होगा। ये मेरा एक फेसबुक ग्रुप है ट्रैवल इन इंडिया, इस पर मेरे पे रिक्वेस्ट आती है, स्पैमिंग के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो ये देखिए कैसे, जैसे जॉय कैंडी कैडी बैन, ये सब स्कैमर हैं सर, इंडिया के होंगे ज़्यादातर इनमें, ठीक है। जितने भी मैं ओपन कर रहा हूँ देखो, ये सब स्कैमर्स की रिक्वेस्ट है, इंडियन इसमें एक दो ही होंगे अगर निकले तो, जेम्स डोनट। अब देखो एक चीज़ दिखाता हूँ सर मैं आपको यहाँ, कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट कब भेजी, जो इन्होंने फेसबुक ज्वाइन करी 13 घंटे पहले, 7 घंटे पहले फेसबुक ज्वाइन करते, इनको ये ग्रुप मिल गया मेरा 10 घंटे पहले, क्योंकि ये स्कैम करेंगे इन लोगों के साथ जो इस ग्रुप में मेंबर हैं, इसीलिए मैं इनकी रिक्वेस्ट कभी अप्रूव नहीं करता, इनको डिक्लाइन करता हूँ। पर आपको जो दिखाना है वही है, एक ही सिंगल फोटो है इन मैम का। अबाउट सेक्शन में जाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, अबाउट सेक्शन में अगर आप जाएंगे कैडी बैन के, यहाँ पर जाके मैं सर्च करता हूँ कैडी बैन को, ये आ गया। अब हम इसके अबाउट सेक्शन में देखिए, इन्हें फ्रेंड जो बनाए 25, अलग अलग कंट्री के होंगे, हर बंदा अलग कंट्री का होगा, इसकी कंट्री का नहीं होगा। अबाउट सेक्शन में जाके देखते हैं तो सब कुछ खाली है, कोई डिटेल नहीं मिलेगी आपको यहाँ। ऐसे ही मान लो ये वाला,
कुरमा किरण, अभी मैं इससे बात करूँ ना, ये बिल गेट्स होगी दुनिया की, होगा ये, अभी सर्च में नहीं आ रहा, नया अकाउंट है इसीलिए। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर, आपको ऐसे पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फेक अकाउंट है और कौन जेन्युइन है। हमेशा वीडियो कॉल पे बात करके ट्रस्ट करें। नंबर दो, सेम फॉर इंस्टाग्राम। तो जैसे मान लो, अब क्या दिखाऊं मैं यार, यहाँ पे तो मेरे को कोई भेजता भी नहीं है स्कैम की रिक्वेस्ट, तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो कुल मिला के ये तीन चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताई हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी और मददगार साबित होंगी आगे चल के। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब सर बात आती है मियाँ मिट्ठू बनने की, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी, आप लोग तो कमी छोड़ देते हो कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी इतनी मेहनत की। तो सर मैम ने क्या लाइनें लिखी हैं, आप लोग वीडियो बनाकर अवेयर करते हो, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी लोग अवेयर नहीं होते, इन चीज़ों से फंस जाते हैं। बिल्कुल सही बात है मैम, आप बिल्कुल राइट है। उसका रीज़न ये है कि लोग वेट करते हैं कि मेरे साथ तो ये स्कैम हो ही नहीं सकता, मैं तो एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, आई हैव इनफ नॉलेज अबाउट द इंटरनेट और द थिंग्स रिलेटेड टू इंटरनेट, तो समबडी कैसे मुझे चीट कर सकता है कोई भी इंसान। तो सर जब आपके साथ स्कैम हो जाता है फिर आप कहते हो ओ माई गॉड मेरे साथ तो स्कैम हो गया। तो सर इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शेयर करिए, स्कैम हो सकता है आपके साथ ना हो, आपके दोस्त के साथ हो। हाँ वही मैंने भी गूगल किया, सही टाइम पे वीडियो देखा तो बाकी पैसे बच गए, पता चला वीडियो बनाता क्यों मैं, क्यों क्या फ़ायदे होते हैं जिन लोगों को लगता है इससे अंधा पैसा कमा रहा हूँ। लिटरली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स टू यू मैम फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयरिंग दिस कंटेंट विद मी, सो दैट कि और लोगों के साथ ये स्कैम ना हो। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और अगर आपके किसी दोस्त के साथ स्कैम हुआ है ना तो इसको साथ ऐसे मत करिए कि ले फंस गया साले तू, पड़ गया इन फालतुओं के चक्कर में, हो चुका है सर, उसकी मदद करिए, उसको बोलिए तू भाई थाने जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उसको सही रास्ता बताइए कि कैसे वो कंप्लेंट कर सकता है, कैसे इन लोगों की FIR कर सकता है, उसको एक रास्ता दिखाइए, उसका बेवकूफ मत बनाइए यार। दोस्त ही होते हैं जो ऐसे टाइम पे सपोर्ट करते हैं, फैमिली मेंबर सब उसको बेचारे को ज्ञान देते हैं जिसके साथ ये स्कैम होता है, दोस्तों से उम्मीद करी जाती है और दोस्त भी ऐसे काटेंगे तो फिर चीज ही क्या रहेगी इस दुनिया में। तो गाइस चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।